नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ रहा पाव भाजी वाला दो बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्लाई कर चुका, दो बार विधानसभा में भी हाथ आजमाया। निर्दलियों की समर्थन वापसी से बीजेपी सरकार का संकट बरकरार, हरियाणा में सत्ता बचाने के तीन, गिराने के दो रास्ते, विपक्ष को मानसून सेशन का इंतजार, कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी उम्मीदवार का दावा, बोले जीत तो मैं गुरुग्राम रेवाड़ी से भी जाऊंगा, एक बार नूह से भी जिता दो। जननायक जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार नैना सिंह चौटाला ने कहा, भाजपा सरकार से जनता और विधायकों का विश्वास उठा, बीजेपी का सफाया तय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा, अल्पमत में प्रदेश की भाजपा सरकार, सीएम बहुमत साबित करें या फिर दे इस्तीफा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार दी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, देश में लगभग 6.25 करोड़ MSME में से 3 करोड़ MSME का बंद होना बहुत ही चिंता का विषय है। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर डीजीपी की अध्यक्षता में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, समाज में रह रहे दीन दुखी, जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब एवं घायल लोगों की सेवा करना महान पुण्य का कार्य है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।